बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से उठापटक का दौर जारी है। जहां एक तरफ जेडीयू और बीजेपी में खटपट चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी सियासत को गरमाने वाले हैं। जी हां, कुशवाहा को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है। उनकी राजनीति में फिर से एंट्री की बात कही जा रही है, जिससे जेडीयू का पलड़ा भारी होगा, तो वहीं बीजेपी पर दबाव बन सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में हाशिए पर आ गए हैं। यही वजह है कि वो एक ऐसा ठिकाना ढूंढ रहे हैं जहां से उनकी सियासत को फिर से धार मिल सके। बीजेपी और जेडीयू में दरार आने के बाद उनका नीतीश प्रेम जाग उठा है। वो लगातार जेडीयू में जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी RLSP का विलय जेडीयू में कर देंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कुशवाहा के आने से न सिर्फ RLSP का फायदा होगा, बल्कि नीतीश कुमार का भी पलड़ा भारी हो सकता है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में मन मुताबिक सफलता नहीं मिलने के कारण जेडीयू अब अगले चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि पार्टी बिहार में पिछड़े नेताओं को साधने में लगी है। पार्टी इसी रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा को अपने पार्टी में शामिल कराएगी। बताया जा रहा है कि नीतीश कुशवाहा को विधान परिषद भेज सकते हैं। यहां की 18 सीटें खाली हैं, जिनमें 12 मनोनय कोटे की, 2 विधानसभा कोटे की और 4 स्थानीय प्राधिकरण कोटे की सीटें हैं, जिनके लिए अगले साल चुनाव होगा। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू मनोनय कोटे से भी विधान परिषद भेज सकती है। यानी जेडीयू में जाने से कुशवाहा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और नीतीश दबदबा बढ़ा सकते हैं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।